हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्पेशल स्टडी रूम। तो आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर 7 का एक्सरसाइज पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज पार्ट अपना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाँ या नहीं में लिखिए, मतलब यू शुड हैव टू आंसर इन यस और नो। ठीक है, तो सिद्धार्थ हंस से बाने प्रहार, सिद्धार्थ ने हंस पर बाण से प्रहार किया नहीं, तो किसने किया था? देवदत्त ने किया था। देवदत्त निषिद्ध कर्म अक्रोध, देवदत्त ने निषिद्ध कर्म को किया, मतलब निषिद्ध कर्म किया, तो किया था उसने हाँ, क्योंकि उसने हंस पर बाण चलाया था। सिद्धार्थ देवदत्तों मध्य विवाद अभवत, सिद्धार्थ देवदत्त के बीच में विवाद हुआ, मतलब उनकी लड़ाई हुई थी हाँ, हंस को लेकर उनकी लड़ाई हुई थी ना कि ये तेरा है ये मेरा है टाइप्स। अस्मिन खगे सिद्धार्थ से अधिकार भवेत इति राजा भक्ति, इस खग पर सिद्धार्थ का अधिकार है, ये राजा ने बोला था? नहीं, जिसने कहानी पढ़ी है उसे पता है, उसको स्मृति अध्यक्ष ने बोला था, राजा ने नहीं बोला था। प्रोपकार पापाय भक्ति, प्रोपकार करना पाप होता है? नहीं, प्रोपकार करना पुण्य होता है। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शब्द में उत्तर दीजिए। क देवदत्तेन सह राजकीय उद्याने भ्रमति स्म, कौन देवदत्त के साथ राजकीय उद्यान में घूम रहा था? सिद्धार्थ घूम रहा था। आकाशे केशाम समूह उत्पतन अगच्छन, आकाश में किसका समूह उड़ते हुए आया? हंसा नाम, हंसों का। खगे कस्य अधिकार थवे, खग पर किसका अधिकार है? सिद्धार्थ से या रक्षक से? नहीं, रक्षक से छोड़ दीजिए आप, सिद्धार्थ से। ठीक है, ये प्रोपकारम कुर्वन्ति ते किम लभन्ते, जो प्रोपकार करते हैं उनको क्या लाभ होता है? उन्हें पुण्य मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पीड़ित खगम दृष्ट्वा सिद्धार्थ किम अक्रोध, पीड़ित खग को देखकर सिद्धार्थ ने क्या क्या किया? पीड़ित खगम दृष्ट्वा, पीड़ित खग को देखकर सिद्धार्थ दुखी अभवत, सिद्धार्थ दुखी हुआ। और अब यहाँ पर ना एक लाइन वो भी एड ऑन कर सकते हैं जिसमें ये लिखा ना कि उसने मराला मंगे आधारित उसने उठा लिया था उसे गोद में। स शने शने तस्य विधात शरीरात शरण अकर्षत, उसने धीरे धीरे विधे हुए शरीर से बाहर निकाला। वर्णे औषधि लेपनम अक्रोध, और घाव पर औषधि लेपन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदत्त तत्र आगत्य की मवत, देवदत्त वहां आकर क्या बोला? देवदत्त तत्र आगत्य वदत, देवदत्त वहां आया और बोला अहम एतम हंसम प्रहारम, मैंने इस हंस पर प्रहार किया है, अतः शमम अस्ति, इसलिए ये मेरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति अध्यक्ष की अवदत, स्मृति अध्यक्ष ने क्या बोला? स्मृति अध्यक्ष अवदत अस्मिन खगे सिद्धार्थस्य अधिकार भवेत यत भक्षकात रक्षकस्य एव अधिक अधिकार है अस्ति, स्मृति अध्यक्ष ने बोला इस खग पर सिद्धार्थ का अधिकार है क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला ही का अधिकार अधिक होता है या बड़ा होता है। हंस हंसे सह कुत्र अगच्छत, हंस हंसों के साथ कहाँ गया? हंस हंसे सह हंस हंसों के साथ मानसरोवरम प्रति अगच्छत, मानसरोवर की ओर गया, प्रति का मतलब की ओर। घटनाक्रम के अनुसार लिखिए, तो इन्होंने बोला कि घटनाक्रम के अनुसार लिखना कि फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट ये है कि सायकाल सिद्धार्थ देवदत्त सह उद्यान भ्रमति सम घूम रहा था, सायकाल को सिद्धार्थ देवदत्त के साथ उद्यान में घूम रहा था। फिर है तदा एक हंस समूह आकाश में उत्पत्ति, तब एक हंसों का समूह आकाश में उड़ रहा था, उड़ता है। फिर है जी हाँ, देवदत्त एकस्मिन हंसे बाणेन प्रहार, देवदत्त ने एक हंस पर बाण से प्रहार किया। सिद्धार्थ वर्णे औषध लेपनम अक्रोध, सिद्धार्थ ने घाव पर औषध लेपन किया। एंड देन उनके बीच में लड़ाई हो गई, विवाद तयो मध्य विवाद अभवत, मतलब उन दोनों के बीच में विवाद हो गया। अस्मिन खगे सिद्धार्थ से अधिकार भवित, इस खग पर सिद्धार्थ का अधिकार हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट है, प्रश्न निर्माण है उचित शब्द चिन्ह, मतलब प्रश्न निर्माण के लिए उचित शब्द चुनकर लिखिए। सिद्धार्थ उद्याने भ्रमति सम कहाँ घूम रहा था? कुत्र सीधा है, देवदत्त से लगा है तो कस्य, सिद्धार्थ देवदत्त मध्य विवादे अभवत द्विवचन है ना, तो कयो हो गया। परोपकार पुण्याय भवति कस्मै, बाने विध्वंसात हंस धराया मत पतत, कुत्र पतत कहाँ गिरा हो?
ठीक है, इसके लिए मूल शब्द विभक्ति वचनम च लिखत, वचन नहीं मूल शब्द लिखना, मतलब बेस वर्ड क्या है। उत्तरानाम में क्या है, उत्तर, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, भक्षकात में भक्षक है बेस वर्ड, पंचमी विभक्ति है एक वचन है, खग में खग है, द्वितीय विभक्ति है एक वचन है, युष्मत तुभ्यम युष्मत के शब्द रूप पद कहते हैं तब आता है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। ओके, अब है विशेषण विशेषण, चैप्टर पे जो चैप्टर जिस चीज पे आधारित है ये क्वेश्चन अब आया। देखो अब देखिए विशेषण विशेषण दिया है, विशेष्य आपको बताना है, महात्मा विशेषण है तो बुद्ध उसका विशेष्य है, बहुनाम विशेषण, प्रश्न नाम विशेष्य है। तो देखो एक बात याद करना, जैसे विशेषण की सॉरी विशेष्य की विभक्ति जो होती है ना, तो विशेष्य की विशेषण की भी वैसी विभक्ति होती है, जैसे बहुनाम प्रश्न नाम परोपकारी सिद्धार्थ कंदरतम मरालम मधुरेन स्वरेन, तो विभक्तियां दोनों की सेम चलती है, निषिद्धिम करम राजकीय उद्यानी, ठीक है, ये विशेषण और विशेषण में हमेशा याद रखने वाली बात होती है। नेक्स्ट है फिर सिद्धार्थ से ज्ञान प्राप्त है बुद्धि नाम न प्रसिद्ध अभवत, सिद्धार्थ ही ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए अभवत, तो निर्णय राजा नाम प्रति अगछता, उन दोनों का निर्णय राजा की ओर गया, राजा के पास गया, तो है ना तो ताम आगे, हंस मानसरोवर प्रति उत्पतत, हंस मानसरोवर की ओर उड़ गया, ठीक है, ये अन्यान पीड़ियंती ते पीड़ाम प्राप्त होती, ये अन्यान जो दूसरों को पीड़ा देते हैं, यहाँ पीड़ियंती है तो आंसर में भी अंति आएगा, ठीक है, अहम तुभ्यम खगना दास्यामी, मैं तुम्हें खग नहीं दूंगा, ठीक है, अहम के साथ हामी होता है। ओके, तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, आई थिंक हाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, देखने के लिए थैंक यू, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।